चलो तो बच्चों लास्ट हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से सुनो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप जो पढ़ने जा रहे हो। चैप्टर को पूरा करके हम फिर से एक बार रिवाइज भी करा देंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा बेस है। अब बच्चों आप क्या पढ़ने वाले हो? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हो। तो सबसे पहले आप समझिए, व्हाट आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? व्हाट आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। देखिए बच्चों क्या है, ध्यान से सुनो, अभी आपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जाने, उनकी पोजीशन जानी, वो कैसे कैसे आए, किसने पहले डिस्कवर किया, कैसे अरेंजमेंट किया, वो सब कुछ जाना, कुछ कुछ खास बातें जानी। हालांकि उन बातों के बारे में आपको अभी पूरे से नहीं पता। जैसे आपने बोल दिया इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लोवेस्ट होती है, लेकिन अभी आपको आयोनाइजेशन एनर्जी ढंग से नहीं पता। आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड लिखा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन उनके बारे में नहीं पता, तो वो सब आने वाले हैं। अब क्या है, आप पढ़ने वाले हो पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब है आप पीरियोडिक टेबल में मूव करना चालू करोगे। कैसे मूव करोगे? दो तरीके से। आप पर्टिकुलर ग्रुप की स्टडी करोगे, कि हम मान लो साइज पढ़ रहे हैं, साइज, एटॉमिक साइज, एटम की साइज, तो हम देखेंगे कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती है कि डिक्रीज, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। अच्छा मान लो टॉप टू बॉटम जाने में जो भी होता है, तो लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है? तो हम दो प्रकार से मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में हर बार। एक बार टॉप टू बॉटम, ग्रुप में चलेंगे टॉप टू बॉटम या अप टू डाउन, और पीरियड में चलेंगे लेफ्ट टू राइट। तो हम देखेंगे कि आखिरकार लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, तो साइज में क्या चेंज आएगा। मान लीजिए हम पूछ लें कि हाइड्रोजन से बड़ा है लिथियम की छोटा, तो हमें देखना पड़े। तो जनरली अभी नॉर्मली बता रहे हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ती है और लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटती है, डिक्रीज। लेकिन फिर एक्सेप्शन आ जाता है, यहाँ तक तो साइज घटती है, फिर इसकी सबसे बड़ी क्यों हो जाती है? ये अचंभे वाली बात है। लगातार यहाँ से यहाँ तक लगातार साइज डिक्रीज होती है, फिर नियॉन सबसे बड़ा हो जाता है, तो एक्सेप्शन भी पढ़ने। ग्रुप में साइज बढ़ती है, लेकिन फिर गैलियम की साइज एल्यूमिनियम से छोटी क्यों हो जाती है, ये देखना पड़ेगा। ग्रुप में साइज बढ़ती है, फिर हाफनियम और रदरफोर्डियम, टेंटेलम डबनियम, जिरकोनियम हाफनियम, नियोबियम टेंटेलम, इनकी साइज बराबर क्यों हो जाती है? ये अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पार्ट है, लेकिन फिर भी हम इसको कवर कराते हुए चलेंगे। आपके में तो एक बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लिखा हुआ है, ऐसे गए तो जो भाव, वैसे गए तो जो गए, दो एक्सेप्शन लिखे हैं आपके सिलेबस में, लेकिन हम पूरा डिटेल से बता देंगे, जमीन आसमान जहाँ तक भी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और सुनो ध्यान से, ऐसे ही आपको पढ़ना है। और हम बताएं, कॉमन चीज़ें तो आपसे बड़ी आसानी से बन जाने वाली हैं, एक्सेप्शन याद रखने हैं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन आना है। जैसे ये बहुत फेमस है कि वाई द साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्यों होनी चाहिए थी, वो भी अभी हम देखेंगे। आखिरकार ग्रुप में जाने पर साइज क्यों बढ़ती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। पीरियड में जाने पर साइज क्यों डिक्रीज होती है, वरना। अब ये तो हो गई आपकी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बातें, कि हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, लेकिन दिल्ली ये कैसे जाने, निंके जाने कि साइकिल जाने कि मोटरसाइकिल से जाने, बस से जाने, ट्रेन से जाने, हवाई जहाज़ से जाने, और जाने भी है तो कब पहाड़ा है, कब ढलाना है, ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस आने वाले हैं, वो आपको इसमें देखने हैं, बड़े आराम से ऑब्जर्व करने हैं, बड़े आराम से समझने। बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा फिनोमिना लगेंगे, वो भी पढ़ने पड़ेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट, जेड इफेक्टिव, डायगोनल रिलेशनशिप, एनोमलस बिहेवियर, बैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, थोड़े थोड़े से ऐसे बीच बीच में आएंगे आपको एक जगाने के लिए, कि भैया अभी हम भी हैं, हमें संभल के देख के चलना, नहीं तो गलत हो जाओगे, तो एक्टिव होके चलना है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक टेबल में मूव करना चालू कर रहे हैं। जैसे अभी हमने सीखा कि पूरी पीरियोडिक टेबल में मेटल ही मेटल है, सिर्फ पी ब्लॉक को छोड़ के, हालांकि एक एक्सेप्शन भी है कि यहाँ पर एक नॉन मेटल रखा हुआ है, दैट इज हाइड्रोजन, बाकी पूरा एस मेटल, एफ मेटल, डी मेटल, सॉरी डी मेटल, एफ मेटल, पी में मेटल भी है, नॉन मेटल्स भी हैं, सेमी मेटल भी है। अब हमने आपको बताया था कि कहाँ से कहाँ तक मेटल है, कहाँ नॉन मेटल, कहाँ सही मेटल, ट्रिक बताई थी कि पहला फिर एक छोड़ो दो, फिर दो छोड़ो दो, फिर तीन छोड़ो दो, तो ये पूरे क्या है, मेटल, ये सेमी मेटल, ये पुअर मेटल। और एक चीज़ और बताई थी कि बोरोन को नॉन मेटल भी माना गया है, आपको ध्यान देखिए, बोरोन का कार्बाइड हार्डेस्ट मटेरियल है, बोरोन कार्बाइड, लेकिन नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल। नेचुरली हार्डेस्ट है डायमंड, नेचुरली हार्डेस्ट मेटल कौन है, टंगस्टन, और ऑल ओवर हार्डेस्ट कोई भी है तो वो है बोरोन कार्बाइड। बोरोन कार्बाइड से डायमंड तक को काटा जा सकता है, बाकी आप डायमंड के ऊपर से बुलडोजर चढ़ा दोगे तो डायमंड धर जाएगा लेकिन टूटेगा
नहीं, ये डायमंड की खास बात है। क्या डायमंड जल सकता है? बिल्कुल, डायमंड जल के कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, डायमंड जल सकता है। अगर आप आग में डाल दोगे तो डायमंड जल सकता है। चलिए ये सब कुछ हमें देखना स्टार्ट करें, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में चलते हैं 1/1। सब एक्सेप्शन अभी तो चालू कहाँ हुआ एक्सेप्शन? अभी तो बेटा बस हमने ऐसे ही बोला दिया, अब चल रहे हैं धीरे धीरे, इतना तेज थोड़ी पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। वो तो इन लोगों का पेपर था तो इतना जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, ऐसे पढ़ाई थोड़ी होती है। जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाएंगे, स्लो स्लो, परेशान नहीं होना है, आराम से पढ़ाएंगे। तो आपको कुल फोकस करना है, जो रेगुलर सिखाया जाए उस पर फोकस करना है, जितना बताया जाए उस पर फोकस करना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? तो डालिए हेडिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बच्चों, वो थोड़ा सा अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर से स्टार्ट कर लेंगे हम एक दो दिन में, है ना? इन सबको साथ में ले आए फिर करते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पहला ही इफेक्ट बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा, जिसको सीखना है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इफेक्ट चलेगा। अभी से लेके आप पीएचडी तक करोगे तब तक ये चीज़ आने वाली है, और ये इफेक्ट तो ऐसा है कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन को टैकल करेगा। उस इफेक्ट का नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। डाली हेडिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो बच्चों हेडिंग डालिए इसमें स्क्रीनिंग 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 और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीन मतलब सतह, सरफेस, शील्ड मतलब ढाल, है ना? स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, चलो देखना है इसको क्या है। व्हाट इज दिस इफेक्ट, व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट और व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है बच्चों? इसको लिखने से पहले एक बहुत सिंपल सा के स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है? जैसे बच्चों हम यहाँ पर आपके सामने बात करें, हम एक एग्जाम्पल ले लें, यहाँ देखो बिल्कुल, हम एक एग्जाम्पल ले लें पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दें 1s2, 2s2, 2p6, 2s2, 2p6, 10 हो गए, 3s2, 3p6, 3s2, 3p6, 4s1, है ना? ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दिया पोटेशियम का, ठीक है ना? ये पोटेशियम, ये रखा है पोटेशियम का न्यूक्लियस, ठीक है ना? ये पोटेशियम का न्यूक्लियस रखा है, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ये न्यूक्लियस पहले 1s में इलेक्ट्रॉन है, फिर 2s 2p में इलेक्ट्रॉन है, फिर 3s 3p में इलेक्ट्रॉन है, और फिर 4s में भी इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भरे पड़े होंगे, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा बाहर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है ना, ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हुए हैं। तो ये है न्यूक्लियस और ये हमारे इलेक्ट्रॉन जमे हुए हैं। देखिए क्या है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वो आउटर मोस्ट सेल के ही करते हैं। आप कैसे फाइंड करोगे? सबसे बड़ा ऑर्बिट का नंबर ही हमारा कहलाएगी आउटर मोस्ट सेल। जैसे कि यहाँ आउटर मोस्ट सेल कौन है हमारी? 4। मतलब केमिकल रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने वाला? एस का। ये पीछे के सिर्फ देखने के लिए है, हाँ ये कुछ तो गड़बड़ करेंगे, कुछ तो रिएक्शन को इफेक्ट करेंगे, लेकिन इनका काम सिर्फ गड़बड़ करने का है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। यही जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा हुआ है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है।
इसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी। अब इसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी एटम की बैलेंस ही डिसाइड करता है। अक्सर ये बैलेंस ही क्या होता है, तो साधारण भाषा में अभी सीख लीजिए कि कोई एटम जितना बॉन्ड बना सकता है वो उसकी क्या कहलाएगी, बैलेंसी। जैसे कि पोटेशियम सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो पोटेशियम की बैलेंसी कितनी होगी, 1। और इसका रीजन भी है कि इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। तो क्या सर इतनी आसानी से बैलेंसी निकाली जा सकती है? हाँ, कुछ की इतनी आसानी से निकाली जा सकती है, कुछ की निकालने के लिए हमें कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, पर बन जाएगी आपसे बड़े आसानी से, है ना। तो अब ये जो न्यूक्लियस है, पूरा जो काम होने वाला है इस इलेक्ट्रॉन से होने वाला है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से सब कुछ होना है। तो न्यूक्लियस भी क्या करता है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन पे टारगेट नहीं करता है, ये भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही टारगेट करता है, सीधे बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ही सीधे टारगेट करता है। क्या करता है, न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहता, वो चाहता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन हमारे पास ही रहे। हाँ, ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन को तो खींचना चाहता है कि एक और हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाए। तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा क्लोरीन, क्लोरीन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो क्लोरीन पे कितना चार्ज आ जाएगा, 1 नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन लेना तो चाहता है, है ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बहुत सारे काम होने हैं अभी इसी न्यूक्लियस के बीच में, और बाहर के ऑर्बिट में बहुत घनघोर लड़ाई चलने वाली है अगले 8-10 दिन, धुआंधार लड़ाई। साइज में लड़ाई चलेगी, फिर आप आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ोगे उसमें लड़ाई चलेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ोगे उसमें लड़ाई चलेगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ोगे उसमें लड़ाई चलेगी, है ना। तो होने क्या वाला है, हर बार आप जब भी पढ़ोगे, आप आगे आप पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हो, तो सब प्रॉपर्टी का कनेक्शन यहाँ से होने वाला है, यहाँ से ये न्यूक्लियस और इसके बीच में कनेक्शन आने वाला है। अगर इस पे चार्ज बढ़ेगा तो ये इस इलेक्ट्रॉन को तेज से पकड़ लेगा ना, पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ चार्ज डिक्रीज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर निकल जाएगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट जो जितना भी सब कुछ होने वाला है वो इन इन दोनों के बीच होने वाला है, ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो तो सब बात की बात हो गई, अभी से हम अपना फोकस करेंगे जो हमने हेडिंग डाली स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो क्या होता है, जो आपके मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होते हैं, किन्हें कहेंगे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, जिसके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि हाइड्रोजन बेस को हम मल्टी इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो हाइड्रोजन को आप मल्टी इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में क्या होता है, जो ये अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करते हैं, क्योंकि इन पे भी कौन सा चार्ज, और इस इलेक्ट्रॉन पे भी क्या, नेगेटिव चार्ज। और न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज और उस पे नेगेटिव चार्ज। अब देखो डोमिनेंट कौन करेगा, मान लो अंदर एक ही दो इलेक्ट्रॉन है, और मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अगर अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं, देखो सुनो, अगर अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं अंदर, तो उनकी रिपल्सन की पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में किस तरह काम कर रहे हैं, स्क्रीन की तरह। किस तरह काम कर रहे हैं, स्क्रीन की तरह काम कर रहे हैं। द इफेक्ट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट का कंक्लूजन बता रहे हैं हम आपको। अगर ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं जो इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा रिपल कर रहे हैं, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो गया, तो आप सिंपली समझ रहे हो, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बात, सुन रहे हो, समझ रहे हो कि से बैठे हुए हो। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो गया, तो फिर न्यूक्लियस अपनी पूरी ताकत इस इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगा पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कौन सा इफेक्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट, अंदर के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपल करते हैं, जिससे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे डिक्रीज हो जाता है। द इफेक्ट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग। अब इस डेफिनेशन को आप लोग जितने प्रकार से कहो उतने प्रकार से लिखवा सकते हैं हम। आप कहो सर डेढ़ लाइन में लिखवा दो, डेढ़ लाइन में लिखवा सकते हैं। आप कहो सर तीन पेज में। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, फिर लिखना तो ऐसा है कि जैसा आपको अच्छा लगे वैसा लिखवा सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया स्क्रीनिंग इफेक्ट का? अब एक इसका अच्छा सा डायग्राम, अब इसको नहीं लिखना है, अब एक अच्छा सा इसका डायग्राम बना लेते हैं समझने वाला, जिससे हमें इफेक्ट और समझ में आए। ठीक है, देखिए बच्चों,
कुर्सी 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 बैठ पे रखी रहें रखी रहें। दिख रहा तन्वी? स्टार्ट करिए बनाना सब लोग। कितने भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि काउंट करके ही बनाने हैं। 3 बना लो, 4 बना लो, 50 बना लो, जितनी इच्छा हो। न्यूक्लियस, ये जो ये वाइट कलर से एरो बनाया, ये अट्रैक्शन है, फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स अट्रैक्ट करने वाली शक्ति है न्यूक्लियस की, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन।
ये जो इलेक्ट्रॉन इसको धक्का दे रहे हैं इसी को बोलते हैं स्किनिंग इफेक्ट, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा है रिपल्सन, तो इसको क्या बोलेंगे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन कहलाता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ये हमारा न्यूक्लियस, ये जो यहाँ अंदर रखा है न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पे। ये न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आउट ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आप कहोगे सर आउटर ही को क्या अटैक कर रहे हो, बाहर इसको क्यों नहीं अटैक कर रहे हो, तो जैसे हम आपसे बताएं आप पेड़ पे जाओगे अगर आम तोड़ने, तो आप पके वाले आम को तोड़ने की कोशिश करोगे ना, बाकी जितने सारे कच्चे लगे उनको तो तोड़ने की कोशिश नहीं करोगे ना, तो यही है, उसको पता है कि पका आम ही है, ये वाले अंदर वाले छोड़ के जाने वाले नहीं है, उसको पता है बाहर कौन भागने वाला है कि बाहर वाला, तो वो अपनी ताकत बाहर वाले पे ही लगा रहा है, न्यूक्लियस इतना समझदार है, ठीक है, तो ये बाहर वाले को अटैक, लेकिन फिर ये अंदर वाले भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी कुछ करते हैं, क्या करते हैं, वो देखते हैं कि हमारे हमारे इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये इसको वापस ढकेलने की कोशिश करता है वापस, अगर ये कमज़ोर पड़ गए तो ये अंदर आ जाएगा, और अगर ये स्ट्रांग पड़ गए तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में तो आ जाएगा, कहो और बाहर तक चला जाए और छूट जाए और निकल जाए, इलेक्ट्रॉन इनफिनाइट जा सकता है। दिस इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्यों कहते हैं, इसको इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्यों कह रहे हैं, देखो ये है एक इलेक्ट्रॉन और ये है एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा, तो इंटर जैसे कहते हो इंटरनेशनल मैच, दो देशों के बीच में मैच, इसी प्रकार रिपल्सन हो रहा है इंटरनेशनल रिपल्सन हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन, देश की जगह इलेक्ट्रॉन आ गए तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट है क्या, जो अंदर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपल करते हैं, जैसे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे डिक्रीज हो जाता है, द इफेक्ट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना कम न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, और जितना कम स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा आपका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। सीधी सी बात है, अगर ये स्ट्रांग पड़ गया तो ये वीक पड़ जाएगा, ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और अगर ये वीक पड़ गए तो ये स्ट्रांग पड़ जाएगा आपका। चलिए तो अब इसमें लिखते हैं, ठीक है, आपका डायग्राम बन गया हो, जहाँ से भी आपके पास जगह आ गई हो वहाँ से लिखना चालू करिए, लिखिए इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द इलेक्ट्रॉन्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर सेल। आप सेल नहीं लिखना चाहते तो ब्रैकेट में ऑर्बिट भी लिख सकते हो। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर सेल एक्ट एज अ स्क्रीन लिख लो जो आपको अच्छा लगे, एक्ट एज अ स्क्रीन बिटवीन
एक्ट एज अ स्क्रीन बिटवीन न्यूक्लियस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल को बैलेंस सेल भी बोलते हैं, ठीक है। आप ब्रैकेट में चाहो तो बैलेंस सेल भी लिख सकते हो, बैलेंस सेल एक साथ है, वो स्पेस में छोड़ना। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर सेल एक्ट एज अ स्क्रीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन एज अ रिजल्ट इसके परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट कंटिन्यू लिखिएगा आप लोग, एज अ रिजल्ट द फोर्स ऑफ द फोर्स ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट ऑन आउटर मोस्ट ऑन आउटर मोस्ट ऑन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन गेट्स डिक्रीज एज अ रिजल्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन गेट्स डिक्रीज फुल स्टॉप लगाइए। such effect is called screening or shielding effect। जल्दी पढ़ो बच्चों, समझ में आया कि नहीं फिर हम बताएं आपको। such effect is called screening or shielding effect। आप एक बार पढ़िए, आपको खुद समझ में आएगा कि बोल क्या रहा है। आप स्ट्रक्चर को देखिए और लैंग्वेज को देखिए तो आपको समझ में आएगा। समझ बन जाएगा। देखो बच्चों क्या है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का मतलब है ऐसा एटम जिसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। तो ऐसा एटम जिसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर सेल, जो अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर सेल एक्ट एज अ स्क्रीन, वो एक सतह की तरह काम करते हैं। मतलब ऐसा फील करो आप कि ये क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन की रक्षा कर रहे हैं, मतलब स्क्रीन की तरह काम कर रहे हैं या शील्ड ढाल की तरह काम कर रहे हैं। एक्ट एज अ स्क्रीन किसके बीच में, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, और इसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। बन जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर बना लिया। अब डालिए अगली हेडिंग, डालिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अली हैंड डाली बच्चों, इफेक्टिव 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 न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्ट